दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच फिलहाल जंग का माहौल है और इस जंग की वजह से फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब आसमान की ओर जाने वाली हैं। दोस्तों, हम अपनी गाड़ियों में जो पेट्रोल भरवाते हैं, इस वक्त एक पेट्रोल ऐसा भी है, एक ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी है जो वॉर जोन में भी इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, आज इसके मामले में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आपकी ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, क्या आपको लगता है कि आसमान में चलने वाले ये जो प्लेन्स हैं उनमें वैसा ही पेट्रोल इस्तेमाल होता होगा, और क्या जो फाइटर जेट्स हैं उनमें फिर कैसा पेट्रोल इस्तेमाल होता होगा। वो पेट्रोल दोस्तों बेहद खास होता है। क्यों खास होता है और क्या उसको निकालने की प्रोसेस किस तरह की है, वो तमाम बातें जानना बहुत ज़रूरी है और इसको डिकोड करने के लिए हम आपके साथ में मौजूद हैं दोस्तों। तो हम इस स्टोरी में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से वो पेट्रोल प्रोड्यूस किया जाता है, वो स्पेशल पेट्रोल क्यों होता है, और साथ ही उसी को क्यों फाइटर प्लेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। वो प्लेन्स जो इस वक्त यूक्रेन के आसमान पर उड़ान भर रहे हैं, वो प्लेन जो भारत की ओर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बेहद ही खास चीज। दोस्तों, वैसे तो आप सब भी जानते हैं कि सेना के प्लेन आम जनता के प्लेन से बेहद खास होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि दोस्तों एयरफोर्स के प्लेन जंग के माहौल में काम आते हैं, ऐसे में उनकी स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डिफरेंट होती है। वहीं इन स्पेशल प्लेन में काम आने वाला फ्यूल भी अलग होता है। आम विमानों में डाले जाने वाला फ्यूल सेना के विमानों में डाले जाने वाले फ्यूल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा फ्यूल है जो सेना के प्लेन्स में काम आता है और वो किस तरह से अलग होता है, और दोस्तों क्या होगा अगर किसी सामान्य विमान में काम आने वाले फ्यूल को सेना के एयरक्राफ्ट या जेट या फाइटर प्लेन्स में डाल दिया जाए। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक हवाई जहाजों में डाले जाने वाले फ्यूल को एविएशन फ्यूल कहते हैं। ये चार तरह का होता है। पहला होता है जेट फ्यूल, दूसरा होता है एविएशन गैसोलीन, और तीसरा जेट बी, और चौथा होता है बायो केरोसिन। एविएशन फ्यूल का प्रयोग आमतौर पर एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन यानी इंजन के लिए किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको यहां बता दूं कि मिलिट्री जेट्स के फ्यूल और एक साधारण एयरक्राफ्ट के फ्यूल में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी की। जेट फ्यूल को दोस्तों जेट A1 टाइप का एविएशन फ्यूल भी कहते हैं। इसका उपयोग सिविल एविएशन में टरबाइन इंजन के लिए किया जाता है। इस फ्यूल को बनाने की प्रक्रिया अलग होती है। इसे बहुत ही सावधानी के साथ ही रिफाइन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट पेट्रोलियम होता है। इसे बनाने के लिए 38 डिग्री सेंटीग्रेड और -47 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिफाइन किया जाता है। इसके बाद इस एविएशन फ्यूल में कुछ और पदार्थ मिलाए जाते हैं। इन पदार्थों की वजह से ये फ्यूल अनियंत्रित होकर जलने से बचता है, टरबाइन में कुछ जमा नहीं होता या फिर इंजन इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होने से बचता है। इसके साथ ही जो पदार्थ इस फ्यूल में मिलाए जाते हैं वो इसे जमने से भी रोकते हैं, क्योंकि जब एक एयरक्राफ्ट जिस ऊंचाई पर उड़ान भरता है वो तापमान -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ये फ्यूल एक तरह का केरोसिन टाइप का होता है जो सिर्फ अमेरिका में ही मिलता है। ऐसे में अगर फ्यूल जम जाए तो इसमें सवार यात्रियों की जान जा सकती है। दोस्तों, जेट फ्यूल कच्चे तेल का एक सबसे बेसिक बायो प्रोडक्ट होता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका कड़ाई से नियमन किया जाता है। तो वहीं दोस्तों, जेट बी फ्यूल का मुख्य रूप से सैन्य ऑपरेशन और बेहद खराब मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। जेट बी जेट ए फ्यूल के मुकाबले कम परिष्कृत होता है। इस फ्यूल को बनाते समय, कच्चे तेल को रिफाइन करते समय जेट फ्यूल और पेट्रोलियम को अलग अलग किया जाता है। इन दोनों में बेसिक अंतर इसमें हाइड्रोजन की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। दोस्तों, पेट्रोल एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसमें 7 से लेकर 11 तक कार्बन एटम होते हैं, जबकि जेट फ्यूल में 12 से 15 कार्बन एटम्स होते हैं। अगर साफ शब्दों में कहें या आसान शब्दों में कहें तो जेट फ्यूल काफी हद तक केरोसिन से बनता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जेट फ्यूल पेट्रोल के मुकाबले बहुत सस्ता होता है, क्योंकि दोस्तों कच्चे तेल को रिफाइन करके उसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, केरोसिन और LPG बनाई जाती हैं। रिफाइनिंग की इस प्रक्रिया में जेट फ्यूल बनाने में काफी कम लागत आती है, इसलिए ये पेट्रोल के मुकाबले सस्ता होता है। दोस्तों, नेटो अपने एयरक्राफ्ट में जेट फ्यूल का ही इस्तेमाल करता है। उसमें स्पेशल एडिटिव्स होते हैं और इस फ्यूल को जेट प्रोपेलेंट 8 कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे एविएशन फ्यूल यानी केरोसिन गैसोलिन के बारे में। दोस्तों, ये वो एविएशन फ्यूल होता है जो सेना के मिलिट्री जेट्स में काम में लिया जाता है। इस फ्यूल को जेट बी या JP-4 भी कहा जाता है।
इसका एक स्पेशल ब्लेंड होता है। इस फ्यूल में 65% गैसोलीन और 35% केरोसिन होता है। इस फ्यूल को सभी जगह काम में नहीं लिया जा सकता है। जिन क्षेत्रों का तापमान दोस्तों बहुत नीचे होता है वहां इस फ्यूल का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। एयरक्राफ्ट के तीसरे फ्यूल की अगर हम बात करें तो दोस्तों एविएशन गैसोलीन को एवी गैस के नाम से भी जाना जाता है और इस एविएशन फ्यूल के प्रयोग स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट या फिर प्राइवेट एयरक्राफ्ट के पुराने इंजनों में किया जाता है। वो एयरक्राफ्ट जिनमें डीजल इंजन होता है उनमें इस फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही इन इंजनों में केरोसिन का प्रयोग फ्यूल के तौर पर किया जाता है। एविगेस फ्यूल बहुत महंगा होता है। तो वहीं दोस्तों चौथे एविएशन फ्यूल यानी बायो केरोसिन की अगर हम बात करें तो ये एक फॉसिल फ्यूल होता है। बायो केरोसिन केरोसिन और बायोफ्यूल का मिक्सचर होता है। बायो केरोसिन भी काफी महंगा फ्यूल होता है और बताया जाता है कि एविएशन इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से इसकी टेस्टिंग भी हो रही है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया एविएशन फ्यूल के बारे में, लेकिन आपको इनकी कीमतों के बारे में भी बता देता हूं कि कैसे इन फ्यूल की कीमतें तय की जाती हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर विमानों के ईंधन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस साल की कीमतों की अगर हम बात करें तो फरवरी में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बाद जेट फ्यूल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों भारत के लिहाज से मैं बात करूं तो पिछले 2 महीने के अंदर ही देश में चौथी बार जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में जेट फ्यूल की कीमतों में 5.2% की बढ़ोतरी के बाद ये 90,519.79 रुपये प्रति किलोलीटर हो चुका है। जहां एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिलहाल देश में कई राज्यों में चुनाव हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है इनमें बढ़ोतरी हो जाए। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से पार जा चुकी हैं। तो दोस्तों ये था हमारी गाड़ियों के पेट्रोल के बारे में, हमारे जहाज़ों के पेट्रोल के बारे में और उन जहाज़ों के बारे में जो मिलिट्री के ही काम आते हैं, तो इस तरीके का इनमें इंजन इस्तेमाल किया जाता है।